Hello and welcome back to India Landscape Channel. Today we have the Maruti Suzuki Invicto with us. This is the Maruti version of the Toyota Innova Hi-Cross. This is in a blue color, this particular vehicle. And if you can see, the bonnet of this vehicle is this much high. So quite a large vehicle. This has ORBMs in its mirrors, Invicto written on the back. These are the indicator lights. The back glass area is quite huge. This has the power tailgate. We just have to press the button and the tailgate shall open on its own. If we press the button again, then the tailgate shall close on its own. The version with us is the Alpha Plus top of the line version, hybrid written on it. This is the strong hybrid version, and the Maruti version of this Invicto. These come only with strong hybrid versions. The Toyota versions come with petrol as well as petrol plus hybrid. This Alpha Plus version has dual zone climate control ACs in it. So this is a cup holder placed among the captain seats. These rear seats have also ventilated seat functions, and when the third row is down, third row seat is down, then you can see the huge boot area. And when the third row seats are on, then how much boot space we are getting, you can see. The last seats, third row seats, has also reclined function. This is the detachable headrest for the middle passenger of the last row seat. So these side curtains are available for the second row seats. This is a very nice function. You can engage it or disengage it as per your convenience. So मैं अभी last row seat पे बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा कि space कैसा है. मेरे जैसे adult 5'8" मैं भी अगर पीछे बैठूं और यहाँ पे पैर अपना फैला के, तो I can sit here for 500 kilometers journey, no problem. The vehicle is really very long. And this is now I am in the driver seat. So all the steering mounted controls are there. और मैं जब भी power button को on करता हूँ, तो memory seat का जो function है, वो seat अपने आप adjust हो रहा है. So this is also a convenience feature loaded with Invicto. ये देखिए seat कैसे अपने आप adjust हो रहा है पावर बटन के साथ. और ये गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हाइब्रिड मोड पे, बैटरी मोड पे ही स्टार्ट होता है और इसका कोई आवाज नहीं आता है. और वही बैटरी मोड पे ही इसका एसी वगैरह सब साउंड सिस्टम, ये मॉनिटर सब चलता है. थोड़े देर बाद वो इंजन का पावर, इंजन पेट्रोल इंजन स्टार्ट होता है. तो जब ये थोड़ा सनरूफ को टेस्ट करते हैं, काफी लंबा बड़ा सा सनरूफ है इसमें. ये
मारुति सुजुकी इन्वेक्टो में दो ही मॉडल आते हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन अल्फा प्लस मॉडल है जिसमें ये सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, कैप्टन सीट ये सब आता है, और इसके नीचे एक ही मॉडल है जेटा प्लस जिसमें सनरूफ नहीं आता, वेंटिलेटेड सीट नहीं आता, और ये जो मिडिल रो है वो कैप्टन सीट ना आके बेंच सीट आता है। और काफी बढ़िया बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है इसमें। और इस गाड़ी में स्पेस और कंफर्ट पूरा लाजवाब है, एंड स्पेस और कंफर्ट के मामले में दिस व्हीकल इज बेटर देन एक्सयूवी 700 और एनी अदर व्हीकल इन दिस सेगमेंट। ये पार्किंग मोड पे था, जब हम इसको रिवर्स मोड में लाते हैं तो ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा इसमें एनाबल है इन्विक्टो में। कैमरे का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, क्लियरली विजिबल है अराउंड द व्हीकल। अभी मैंने गियर लीवर को ड्राइव पे एंगेज किया एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग। देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज और साउंड इनसाइड द कैबिन, और अभी इंजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये ईवी दिखा रहा है, इसका मतलब ये अभी कंप्लीटली बैटरी पे चल रहा है। और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद देखते हैं कब ये ईवी साइन खत्म होता है। जब ईवी साइन चला जाएगा तो समझ लीजिए कि पेट्रोल अभी भी चला गया, तो अभी पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो गया है। काफी कंफर्टेबल है इस गाड़ी को चलाना, दिस इज अ लार्ज व्हीकल बट द मैन्युवरेबिलिटी इज वेरी इजी। बोनेट्स आर विजिबल एंड यू सी इट क्वाइट हाई। ये गाड़ी में मैंने एक डिमेरिट देखा, अभी आपको कैमरा में शायद इसका लाइट ठीक ठाक दिख रहा हो, लेकिन ये गाड़ी का हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है। ये एलईडी लाइट है लेकिन थ्रो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसमें कोई प्रोजेक्टर सेटअप भी नहीं आता, सिर्फ एलईडी लाइट आता है, और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका लाइट। दिस इज़ दी ओनली ड्रॉबैक आई नोटिस्ड इन दिस व्हीकल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। So, goodbye for today. We shall meet again in a new video. Till then, take care. Goodbye.